हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए, देखते हैं कि कैसा होगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। ये देखो, हम गांव में आ गए, मतलब ये चारों तरफ से व्यू देख रहे हैं, प्लॉटिंग वगैरह हो रही है पूरे में। तो ये ऐसे जाते हैं हम जब शूट करने आते हैं ना, पीछे हमारी एक और गाड़ी आ रही है, वो पूरा गिटार टीम आ रही है, हमारी गिटार टीम है एंड एडिटर्स हैं, मस्ती करने वाले हैं अपने गाँव में। और ये देखो भाई, ये आपने कभी नहीं देखा होगा, मतलब इन दिल्ली के अंदर ऐसे गांव में ऐसे चीज आपने कभी नहीं देखोगे, भेड़ बकरी रोड पर चल रही है, जैसे अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम मूवी थी ना, मतलब भेड़ बकरी वाला सीन था, वैसे वाला है। हम यहाँ पे विजिट करते हैं, ये बकरियां सामने आ गई। ये देखो भाई, कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा। ये सबसे आगे जा रहे हैं, ये पिता है, ये सबसे आगे चल रहे हैं। और वो देखो गाइस, हमारे भैया निकल गए आगे। हाँ तो गाइस, वो सामने चर्च, हमने एक आत्मा का बदला बनाया था उसके अंदर, हमारी जो वीडियो शूट हुई थी चर्च की, वो सामने चर्च है, वो वाइट वाइट सा दिख रहा है गाइस। बट यहाँ का व्यू आपको इतना प्यारा लगा देखने में गाइस। आपने वाला खेत देखा, ये वाला वही खेत है जिसमें दिल वाले दुल्हनिया की शूटिंग हुई थी, जिसमें शाहरुख खान ने अपने हाथों को फैलाया था। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करता शाहरुख खान, ठाकुर ले गया था। ये देखिए, ये ऐसे करता शाहरुख खान ने, तुझे देखा तो ये जाना सनम। कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताना। ये जगह सिर्फ मैं ही दिखा रहा हूँ आज के ब्लॉग चैनल पे, आपको कोई और नहीं दिखाएगा। ये हमें, ये हमारा दोस्त है और हम ये घूमने जा रहे हैं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा, आपने कभी भी गांव में ऐसे रोड नहीं देखे होंगे। चल झूठा गाइस, कसम से बता रहा हूँ, हाईवे के रोड भी ऐसे नहीं होते। ऐसी तारे यहाँ पे दे रखी है, बट ये हमारे गाँव का नॉर्मल पंप हाउस टाइप से पानी आता है खेतों में, ये उस टाइप का बना रहा था। हमको सिखा रिया है, अब बस पहुँच गए हैं, फिर देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, गाने कैसे गाएंगे हम, बट यहाँ वीडियो हम बहुत अच्छी बना सकते हैं और देखते हैं ये कैसे गाना गाएगा, इसकी वॉइस सुननी है मेन तो हमें, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम में हमारे साथ गाना गाने के लिए। देखो बिल्कुल तालाब सा बना रखा, बिल्कुल ही ओवर व्यू, बिल्कुल प्यारा लग रहा है। हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी, एक फार्म हाउस सा बना रखा है, मतलब छोटा सा, जो हमारे भैया, तो ये हमारे भैया उतरे हैं। भैया एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो भैया, हमारे गाइड से कुछ बोलो। मुझे यही नहीं पता कि किस चीज़ का ब्लॉग। ये असंभव गाइड हैं, ये हमारे भैया हैं, हम आप यहाँ पे अपनी सॉन्ग करने वाले हैं, छोटा मोटा हम सॉन्ग की वीडियो बनाएंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत। यहाँ हम इसलिए आते हैं, एक तो यहाँ पीस है, दूसरी चीज यहाँ पे जो है वो हमें जानते हैं, उनका नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, दूसरी बात यहाँ साउंड बहुत अच्छा आता है, एकदम स्टूडियो वाला माहौल, एकदम शांति, तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। हम फुल मस्ती करने वाले हैं, साथ में गाने भी गाने वाले हैं, और हमने यहाँ पे OS भी ले रखे हैं, पूरे खाने के लिए, और टेढ़े मेढ़े भी हैं, आज हम बचपन का फील लेंगे पूरा गाना गाते गाते। और गाना कौन सा गाएंगे अपना, पापा कहते हैं ना। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा। ये देखो गाइस, ये कितनी छोटी छोटी चींटियां, मतलब छोटी हैं बट बड़ी हैं। ये क्या है, तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अबे इधर तो आओ, अब इधर फोन छोड़, अभी सुपर प्रिंट बैग अबे जल्दी आ। तो गाइस ये देखो, हम सारे दोस्त मिल करके अब गाना गाने आ रहे हैं, और ये मेरे दोस्तों के लिए गाना है, एक हमारे पीछे भैया हैं उनके लिए भी स्पेशली ये गाना है। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। डर लग रहा मुझे, अब खाएगा तो नहीं है, अबे तीन, हाँ दो, ये तो पक्का भूखे गए, कुत्ते अपने बिरादरी को खिलाते, ये पक्का भूखा है, मार मत रे। वो तू अपनी बात कर रहा होगा, देख ये देखिए,
देखो सनसेट होने वाला है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। अब हम जा रहे हैं अपनी शॉप पे। ये हमारे कचौड़ी वाले भैया हैं, गौर से देखो इनको। ये सब्जी भर के क्या लेके जा रहे हो भैया? ये क्या भर के ले जा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे रोड है, यहाँ पे सब बाइक वाइक सब सीख रहे हैं, गाड़ी सीख रहे हैं। तो लड़कियों से बच के रहना वरना मार देंगी वो तो पहले से। हाँ कचौड़ी वाले भैया डर गए थे हमने क्या बना दिया।